गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामी नारायण। आज हम चैप्टर नंबर लेसन नंबर पढ़ेंगे 3 कौरू का, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं पेज नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर 4, फॉलो द इलस्ट्रेशन एंड फ्रेम सेंटेंस। आपको जो फ्रेम में ये दिया गया है, वर्ड दिया गया है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में रखकर सही सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में दिया है वनम, और यहाँ पर दिया है सेंटेंस में पढ़ रही हूँ श्री गाला भ्रमति, फिल इन द ब्लैंक्स भ्रमति श्री गाला, फिल इन द ब्लैंक भ्रमति। तो कहाँ पे घूम रहा था लोमड़ी? वन में। तो यहाँ पे हम सेम वर्ड ही लिखेंगे, वनम श्री गाला वनम भ्रमति। ये आपका सही सेंटेंस बन गया, मतलब जो ब्रैकेट में दिया है सेम टू सेम हमें वही लिखना है। नीलकह नगरम गच्छति, यहाँ पे हम लिखेंगे नगरम गच्छति। साधु तीर्थम पश्यति, साधु तीर्थम पश्यति। ये आपके जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वही वर्ड लिखने हैं। पक्षी द्वारम अटति, ये आपके हो गए 4 वाले क्वेश्चंस। 5 में दिया है फॉलो द इलस्ट्रेशन एंड फ्रेम सेंटेंस, मैं यहीं पे खाली आंसर्स लिख के बता रही हूँ आपको। फर्स्ट वन है छात्र फिल इन द ब्लैंक्स गच्छति, फिल इन द ब्लैंक उपविशति च। तो 2 वर्ड जो दिए हैं शाला और आसनम, सेम टू वर्ड वही लिखना है। फर्स्ट वन का आंसर से खाली लिख रही हूँ मैं अभी यहाँ पे, आप पीडीएफ से देखकर लिखेंगे। फर्स्ट में जो ब्रैकेट में आपको वर्ड दिए हैं वही दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिख लेना है। आसनम ये हो गया आपका फर्स्ट वन। सेकेंड वन में देखिए, अधिकारी कार्यालय गच्छति आसंद उपविशति च। अधिकारी ऑफिस में गए और अपनी सीट पर बैठ गए। तो ब्रैकेट में दिया है यहाँ पर कार्यालय, ध्यान से देखिएगा, और आपको सेम टू सेम वर्ड दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में सही वाले में करना है। इसमें लिखेंगे हम आसंद यानी कुर्सी। फिर थर्ड में दिया है भक्त मंदिरम गच्छति पूजा स्थानम उपविशति च। भक्त मंदिर गए और पूजा के स्थल पर, पूजा वाले जगह पर बैठ गए। तो फर्स्ट वन में आएगा थर्ड का मंदिरम और सेकंड में आएगा पूजा स्थानम। सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे पूजा स्थानम। फिर फोर्थ है सिंहा वनम गच्छति और वृक्ष तलम उपविशति च। सिंह वन को गया और पेड़ के पास बैठ गया। तो यहाँ पे फोर्थ वन हम क्या लिखेंगे, वनम और वृक्ष तलम, मतलब वृक्ष के पास, वृक्ष के नीचे बैठ गया। इस तरीके से दोनों फिल इन द ब्लैंक्स कर लेने हैं। आज ही हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आप अपनी नोटबुक में भी सही तरीके से प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स लिख के कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।